टॉयलेट चाहे कितनी भी गंदी हो, चाहे कितने भी खतरनाक दाग लगे हुए हों, चुटकियों में क्लीन हो जाएंगे। जिस तरह से आप टॉयलेट की कंडीशन देख रहे हैं ना, कितना ज़्यादा दाग लगा हुआ, कितना खतरनाक है दोस्तों। चुटकियों में क्लीन करने का ज़बरदस्त टिप्स दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक दोस्तों देखना है। बहुत ही सिंपल सा भी तरीका है दोस्तों, बहुत ही कम खर्चे में चाहे कितनी भी खतरनाक टॉयलेट पर दाग लगे हुए हों दोस्तों, उसे चुटकियों में क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कच्चा एसिड लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो कच्चा एसिड लेना है इसको क्लीन करने के लिए, चाहे टॉयलेट हो, चाहे कोई मतलब टाइल हो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो, तो टाइल में कभी भी टाइल पर डायरेक्ट एसिड इस्तेमाल नहीं करना है। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आगे भी एक वीडियो में समझाऊंगा। तो देख सकते हैं अपना टॉयलेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, दाग लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक बोतल में पेप्सी का बोतल है थम्सअप का, इसमें कच्चा एसिड लिया है मैंने लगभग 100 ml, देख सकते हैं, जो कि इस सीट के लिए काफ़ी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दाग लगे हुए हैं, देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे आज ही नया लगा हुआ हो। देख सकते हैं हमने ढक्कन में छेद किया है और इसको स्प्रे द्वारा इसको साफ करेंगे, देख सकते हैं। कभी भी कोई सीट को अगर एसिड से, कच्चे एसिड से साफ कर रहे हैं तो दोस्तों पहले पानी मार लेना है, डायरेक्ट सूखे पे नहीं करना है, वरना पीला करके ख़राब कर देगा। देखिए बुर्श की सहायता से हल्के हल्के हाथों से इसको छुटा लेंगे अच्छे से। ये कच्चा एसिड है दोस्तों, कहाँ मिलेगा लास्ट में बात करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर एक से एक बढ़कर दोस्तों मैं क्लीनिंग टिप्स लाता रहता हूँ। ये देखिए बुर्श की सहायता से इसको छुटाते रहेंगे, ये ऐसे हो जाएगा जैसे आज ही नया लगा हो। तो ऐसे ऐसी टिप्स मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोग तुरंत देख सकें। तो मैं इस चैनल पे केमिकलों के बारे में जानकारियाँ देता रहता हूँ, आप लोग ज़रूर जुड़ें चैनल से अगर वीडियो अच्छी लगती है। कभी भी अगर टॉयलेट पर बहुत ज़्यादा दाग लग जाते हैं, गुटखा पान खा करके थूक देते हैं, तो कभी भी दोस्तों कच्चा एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एसिड में लगभग 100 ml एसिड है, तो उसमें हल्का सा दोस्तों हल्का सा पानी ज़रूर उसके अंदर मिला लेंगे, यानी कि 1/4 पानी उसके अंदर मिला लेंगे, तो फिर हम उसको टाइल पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा एसिड में पानी मिला करके 1/4, और डायरेक्ट एसिड को कभी भी टाइल पर नहीं इस्तेमाल करना है, ना ही कभी मार्बल पर करना है, ठीक है। मार्बल के गंदे दाग कैसे छुटाए जाते हैं, अगर मार्बल पे ख़तरनाक दाग लग जाए तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, जो कि हर कोई नहीं जानता है मार्बल के दाग कैसे छुटाए जाते हैं। ये देखिए अपना जो टॉयलेट का सीट है ना, बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे अभी नया लगवाया हो। ये देख सकते हैं टॉयलेट का कंडीशन था जैसे 4 साल पुराना हो, अभी देख सकते हैं बिल्कुल चकाचक हो गया है। ये देखिए गुटखा पान के दाग कैसे छुटाए जाते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।